देखो केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल अच्छे से रेडी करके आना। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे से रेडी करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अजय तुम दिखाओ। करण तुम्हारा? जी मैम। वरुण तुम दिखाओ। तुम्हारा दिखाओ। वेरी गुड। आप लोगों का हो गया, अब हम कल मिलते हैं। ओके मैडम। होमवर्क पूरा करके आना। ओके ओके। अच्छा तुम रुको। हाँ थैंक यू मैम। क्या बात है, आज तो बॉम लग रही हूँ। अरे जाओ यार, रहने दो। हाँ बताओ। रुको ना जरा, मोबाइल बज रहा है मेरा। हाँ क्या है ये? ये क्या वाइब्रेट हो रहा है? अरे फोन बज रहा है मेरा। भैया का फोन है। हेलो। हेलो जानवी, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। क्या हुआ भैया, परेशान दिख रहे हो? मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम घर आओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ जानवी? मुझे घर जाना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं भी आऊँ? नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। अपना ख्याल रखना। जी आप कौन? मैं इनके यंगर सिस्टर जानवी। अभी कहाँ थी? यहाँ मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी। हवलदार एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन सभी लोगों की लास्ट 3 महीने की कॉल डिटेल्स निकालो। थैंक यू। दिखाओ मुझे, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सब क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। यहाँ देखो, ऐसे सॉल्व करते हैं। हाय भाभी। हाय। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जानवी तुम्हारा बैग। कविता मैं फ्रेश होके आता हूँ। और बताओ। मैं क्या बताऊँ, तू बता। भाभी हाँ मैं बस अभी निकल ही रही हूँ। हाँ भाभी मैं ऊपर फ्रेश होने जा रही हूँ। अरे जान, मुझे अभी निकलना है। अरे जानवी खाना खाकर तो जाना। अरे मैं बाहर से खा लूंगी। कविता। हाँ आई। कविता आ रही हूँ। आ गई। क्यों चिल्ला रहे हो बाबा? किसकी बेल्ट है ये? कौन आया था मेरे पीछे यहाँ पर रंगरेले मनाने? हाँ छी, आप मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि
आप मुझ पर शक करोगे। तो फिर ये बेल्ट किसकी है, सच बताओ। अब मैं कबर्ड में से पुराने कपड़े निकाल रही थी फेंकने के लिए, तो ये उसी में था और मैं जल्दबाजी में फेंकना भूल गई। I'm sorry, कविता। Sorry, मैंने तुम्हें शक किया। सुनो तो, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। वरुण, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। जब से हॉस्टल गई हो भूल ही गए मुझे, है ना? भूल गई होती तो तुमसे मिलने थोड़ी ना आती। आज मिलने आई हो, वो भी 4 महीने बाद। अरे बाबा, आपको पता है ना, अगले महीने मेरे फाइनल एग्जाम है और उसके बाद तो मुझे घर आ ही जाना है, फिर मैं आपसे रोज मिलने आया करूंगी। तुम तो चुप ही रहो, झूठी कहीं की। सच्ची में मम्मी कसम। अच्छा, मम्मी से याद आया, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, अगले हफ्ते आएंगे। मेरा बाबू गुच्छा है। किसने माला? मेरे बाबू को माला किसने मारा? क्या मारा? या मारा? या मारा? या मारा? मत कर। या मारा? मत कर। या मारा? मत कर। ए, ए मस्ती मत कर। चश्मा दे मेरा। चश्मा दे। मैं दूंगी। दे। 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 नहीं। चश्मा दे। नहीं नहीं। यार तुम कितने अच्छे हो, है ना? बस यार, ऊपर वाले की मेहरबानी। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये फोन पिकअप क्यों नहीं कर रहा है? पिक अप द फोन। फोन पिक करो वरुण, फोन उठाओ। सुनो ना, आज मैं ज्यादा देर नहीं रुक लाल सकती। साड़ी। हाँ। जानवी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, रिसीव कर लो। हाँ, हाँ, कर लो। तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ओके। मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो इतने दिनों से? देखिए, अब मैं ये सब और नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वरुण, अब मैं उसे और चीट नहीं कर सकता। हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ है उसे आप भूल जाइए, बस। वरुण मेरी बात सुनो। वरुण, वरुण, ये फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे हैं। तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? अपसेट? थोड़ा मूड खराब है यार। मूड खराब है? चलो तुम आज ऐसा करो, तुम आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने भैया भाभी से मिलवाती हूँ और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं यार, आज नहीं फिर कभी। बोला ना, चलो। अरे चलो, तुम सुनोगी नहीं ना? ना। तुम मुझे यहाँ कहाँ लेके आई हो और ये किसका घर है? तुम सच में पागल हो क्या? मैं तुम्हें अपने घर ही तो लेके आऊंगी, ये मेरा घर है। रुको। हाँ? मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। भाभी आओ ना। भाभी आ रही हूँ। ओके। हाँ?
भाभी, he is my best friend वरुण. वरुण, ये मेरी भाभी है. नमस्ते. नमस्ते. चलो अंदर चलो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ. चलो. हाय जानवी. हाय भैया. मैं दो दिन के लिए इंदौर जा रहा हूँ, दो दिन के बाद आके मिलता हूँ. ओके भैया. ये कौन है? भैया ये मेरा फ्रेंड है वरुण. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? आई एम फाइन. अरुणा, अरुणा मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी. हाँ जानवी, मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ भैया. दो दिन के बाद आके आराम से बात करेंगे. ठीक है, ठीक है. कविता. हाँ आई. मिलते हैं. अच्छा ठीक है. जानवी एक छोटा सा काम था, वो शर्मा आंटी के पास ना कुछ सामान छूट गया है, तो ला दोगी? अर्जेंट है. ओके भाभी. सुनो ना, मैं भी निकलता हूँ, मुझे वो कुछ काम है. अरे बाबा रुको ना. अरे मैं जाता हूँ ना. अरे चलो ना, बैठो ना. जानवी दो मिनट में आ जाएगी. मैं यूं गई और यूं आई. हाँ चलो ना. भाभी मैं आती हूँ. ओके. वरुण मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? मेरे फिगर में कोई कमी है? तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो? मुझे इग्नोर मत किया करो प्लीज. देखिए मैडम, मैं जानवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे और चीट नहीं कर सकता. आपके और हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे आप भूल जाइए प्लीज. अच्छा तो तुम जानवी से इतना प्यार करते हो. चलो ठीक है, फिर तो जानवी को यह दिखाना ही पड़ेगा. अगर तुम चाहते हो कि जानवी को इस बात की खबर ना पड़े तो तुम मुझे भी प्यार करो जैसे पहले करते थे. वरुण ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. आपको जो करना है कीजिए, अब मुझसे ये सब नहीं हो सकता. वरुण तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और जानवी को भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. आपको जो करना है कीजिए. क्या हुआ? क्या हुआ? अकेलापन सा फील हो रहा था और भाभी की भी याद आ रही थी, इसीलिए इस वक्त बुला लिया. बैठो. भैया कहाँ है? भैया अंदर रूम में ऑफिस का काम कर रहे हैं. लिसन, बी रिलैक्स. ओहो मिस्टर वरुण, आप यहीं पर हो. यू आर अंडर अरेस्ट. व्हाट? क्या? मैंने क्या किया है? मिसेस कविता का मर्डर. नहीं, मैंने उनको नहीं मारा है. इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है. हमारे पास पूरे सबूत हैं. वरुण का आपकी भाभी कविता के साथ अवैध संबंध था, अफेयर था, और वरुण उस अफेयर को खत्म करना चाहता था, लेकिन आपकी भाभी ने एक MMS के जरिए इनको ब्लैकमेल किया और इन्हें वो रिलेशन ख़त्म नहीं करने दिया. और फिर उस दिन वरुण और कविता में लड़ाई हुई, वरुण ने कविता का मर्डर कर दिया.
कविता की बॉडी के पास से वरुण के गॉगल्स और पर्स मिला है और मोबाइल से एमएमएस मिला है। पांडे ले चलो वरुण को। इंस्पेक्टर साहब, वरुण ने भाभी को नहीं मारा है, भाभी को मैंने मारा है। व्हाट? क्या? हाँ, उस दिन जब मैं घर पर आई। वरुण तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और जानवी को भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपको छू कर ना कीजिए। भाभी आपको जरा भी शर्म नहीं आती है ना? जानवी, जानवी तुम वरुण को जानती नहीं हो। वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वो एक नंबर का अय्याश है। पता नहीं उसके कितनी औरतों के साथ नाजायज संबंध है। अच्छा, जैसे आपके साथ? जानवी, जानवी तुम अपने भाभी को थप्पड़ मार रही हो। भाभी को नहीं, एक अय्याश औरत को। क्या बोली? जो ट्विटर के नाम पे धब्बा है। जानवी जी जी शर्मा भाभी। वो सिर्फ मेरा है, समझे? भाभी। पांडे ले चलो इन्हें भी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। जी बोलिए। मेरे बेबी कविता का खून इन दोनों ने नहीं बल्कि मैंने किया है। क्या बोल रहे हैं आप? उस दिन जब मैं बाहर गया था, मैं एक इंपॉर्टेंट फाइल घर भूल गया था। मिस्टर राजेश, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। पांडे, इन तीनों को ले चलो थाने। चलिए।